खबर बुलंदशहर से गंदे नाले में मिला कई गोवंशों का शव। बड़ी खबर बुलंदशहर से, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, खोजा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुरारी नगर बेरोली रोड का है पूरा मामला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिलाने के नाम पर हजारों की ठगी। बड़ी खबर कन्नौज से है, पीड़ित महिला ने कोतवाली में की शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। को बनाया गया शिकार। उमरपुर बनवारी की रहने वाली है पीड़ित महिला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिलाने के नाम पर हजारों की ठगी। पीड़ित महिला ने कोतवाली में की शिकायत। खबर कन्नौज से है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कई गांव के ग्रामीणों को बनाया गया शिकार। छिबरामऊ क्षेत्र के कुंवरपुर बनवारी की रहने वाली है पीड़ित महिला। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 सम्मेलन से पहले रोशनी से चकमक हुआ लखनऊ। बड़ी खबर लखनऊ से, आपको बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां एयरपोर्ट से लेकर वृंदावन सेक्टर 8 तक सजावट हुई तेज। G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर को लेकर तैयारियां, शहर के हर पेड़ों और पोलों को सजाया गया झालर और स्ट्रिप से। नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर, बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, एडीजी मेरठ जोन डीएम एवं एसएसपी ने थाना खुर्जा देहात का किया निरीक्षण। थाना समाधान दिवस पर थाना खुर्जा देहात परिसर में सुनी जन समस्याएं। समाधान रजिस्टर एवं थाने की अन्य आवश्यक पंजिकाओं का किया निरीक्षण। क्षेत्राधिकारियों को गांव में हो रही घटनाओं में प्रभावी कार्यवाही के दे निर्देश। खुर्जा एसडीएम लवि त्रिपाठी एवं खुर्जा सीओ दिलीप कुमार रहे मौजूद। बड़ी खबर, सड़क हादसे के दौरान 4 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, घटनास्थल पर पहुंचे डीएम और एसपी। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से इस वक्त की आ रही है, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। रामापुर चौकी क्षेत्र में बड़ा हादसा, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ेंगे। धीरज, देखा जाए तो लखीमपुर खीरी में इस वक्त बड़ा हादसा हुआ है, कई लोग उसमें घायल हुए, क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी जी, आपको बता दूं लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के रामापुर चौकी क्षेत्र का मामला है बहराइच रोड पर, जहाँ पर एक सबसे पहले तो एक स्कूटी और बाइक में टक्कर हुई, उसके बाद में जो लोगों का जमावड़ा वहाँ पर रोड पर शुरू हो गया, जमावड़ा लग गया, उसके बाद में जो सामने से बहराइच की तरफ से आ रही है कि ट्रक ने जो है वहां पे खड़े लोगों को राउंड की चली गई, तो एकदम वहां पे जो सूचना इस वक्त आ रही है ताजा अपडेट जो है, वहां पर करीब दर्जनों लोग घायल हैं, 5 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। वही जिला प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, डीएम एसपी मौके पर मौजूद है, बचाव राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो 5 लोगों की मौत की सूचना है, दर्जनों लोग घायल हैं जिन्हें ड्रामा सेंटर भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको बराबर निकाला जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज।
बहुत ही दुखद दुर्घटना हो गई है यहाँ पर। बेसिकली जो सूचना मिली थी कि एक स्कूटी और कार में पहले टक्कर हुआ था, और उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ लोग टक्कर को देखने के लिए खड़े हो गए थे। अचानक ही और गैराज की तरफ से एक अनियंत्रित ट्रक जो आप सामने ही देख रहे हैं नीचे गिर गई है, वो उसका उसके साथ क्या घटना हुई, स्टेयरिंग फेल हुआ, क्या वजह, जाँच का विषय है। वो अनबैलेंस हो गई और अपना नियंत्रण खोने के बाद कुछ लोग उसकी जद में आ गए, और बाद में ये बैलेंस करने के बाद ये गाड़ी आगे स्वयं एक्सीडेंट हो गई। और जो हमें सूचना मिल रही है कि करीब 3 से 4 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना मिल रही है इस हादसे में, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि जो घायल हैं उनको निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया जाए। पूरे प्रशासन पुलिस की टीम लगी हुई है, जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। मौके पे शुरुआत में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन अभी ट्रैफिक को सामान्य बना दिया गया है। हम उन कारणों को भी देख रहे हैं कि वास्तव में क्या कारण होगा एक्सीडेंट में, और पहली जो हमारी प्राथमिकता की जो घायल है उनका सही से इलाज हो जाए और किसी तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।